अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप सब लोग ठीक होंगे, सब अच्छे से गुजर रहा होगा, सबकी लाइफ अच्छी जा रही होगी। सो आज मैं आपको लेके निकली हूँ जी बाहर। एक मैं सोच रही थी कि बहुत टाइम हो गया है लॉकडाउन के बाद मैं आइकिया नहीं गई हूँ, कि आइकिया नॉर्मली मैं जाती रहती हूँ लाइक हाउस होल्ड स्टफ़ के लिए या क्रॉकरी के लिए। और मैंने सोचा क्यों ना आज हम लॉकडाउन के बाद आइकिया का एक टूर करते हैं। सो हियर वी गो। अभी मैं सिर्फ आइकिया के अंदर एंटर होने लगी हूँ। बहुत सारे लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि आइकिया इज़ अ चेन, जो ब्रांड है, जो अभी मैं स्टोर के अंदर एंटर हो रही हूँ, तो मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ कि आइकिया के अंदर आपको हाउस होल्ड का हर स्टफ़, हर चीज़ मिल जाएगी, लाइक ईच एंड एवरी थिंग, चाहे वो क्रॉकरी से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है। सी, इन्होंने मॉडल्स रखे हुए हैं यहाँ पर, हर चीज़ बना के, रूम्स के पैटर्न्स दिए हुए हैं, लाउंज हैं, लिविंग रूम्स हैं, हर तरह से। आपने सिर्फ यहाँ से एक कुछ चीज़ आप इसमें मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं, आप स्पेसिफिकली कोई एक चीज़ भी इसके अंदर से चूज़ करके ले जा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप पूरा का पूरा इनसे, ये जैसे इन लोगों ने एक मॉडल बना के ये रखा हुआ है, आप इनसे पूरे का पूरा अपनी स्पेस के मुताबिक इनसे ये ऑर्डर भी ले सकते हैं कि आप हमें ये पूरे का पूरा बना दें। तो बेसिकली दे आर लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर्स एज वेल, और फर्नीचर्स के लिए जो जितनी भी चीज़ें, जो होम अप्लाइंसेस और डिफरेंट तरह की चीज़ें, वो आपको एक ही छत के नीचे सब मिल जाएगी। तो मैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आइकिया में विज़िट कर चुकी हूँ, दुबई में, मलेशिया में, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका। सो ये इस्तांबुल का आइकिया है। ये आप ये देखें, आप नॉर्मल यहाँ पर घंटों गुजार सकते हैं। मुझे तो आप आइकिया के अंदर छोड़ जाएं, इन स्टोर्स के अंदर मैं सारा दिन नहीं थकूँगी घूम के, शॉपिंग करके और ये सब देख के। यहाँ पे ये सब चीज़ें इस तरह से लाइक लगी हुई हैं, डिस्प्ले हुई हुई हैं। आप अपने कंफर्ट के लिहाज से चीज़ चूज कर सकते हैं। सोफ़े को देखें, बैठ के, लेट के, खा के, पी के, इसके बाद चेक कर सकते हैं आप। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ से कुछ भी बाय कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा सा इन लोगों ने एक बेडरूम का पैटर्न दिया हुआ है। देन इस लाइक अ लाउंज, इसमें क्रॉकरी है, सेट्स हैं, सोफ़ाज़, टेबल, ये काफ़ी अच्छा सा एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बनाए हुए। तो आप इनके आइडियाज़ भी ले सकते हैं। देखें कितने अच्छे से इन्होंने आइडियाज़ दिए हुए हैं कि आप टेबल्स को इस तरह रखें। ये कुछ डेकोर पीसेज हैं साथ साथ, ये आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉकरी का देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब हर चीज़ आपको मिलेगी। सो आई एम जस्ट वंडरिंग कि क्या यहाँ पर न्यू है, कि मोस्टली मैं तो यहाँ पे बहुत दफ़ा आती रहती हूँ, तो काफ़ी डिज़ाइंस और चीज़ें हर महीने के अंदर तो चेंज हो जाती हैं। सो ये देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट टेबल्स लगाई हुई हैं, जो सेंटर टेबल्स हैं, राउंड टेबल्स हैं, टीवी टेबल्स, या आप जो भी अपने साइड टेबल्स बेडरूम के लिए, लिविंग रूम के लिए जो यूज़ करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं यहाँ पर। कुछ टेबल्स मैंने यहाँ से ली हुई हैं अपने घर पे, जो मैंने रखी हुई हैं साइड टेबल्स पे या सेंटर टेबल में, वो मैंने यहीं से ली हुई हैं। इसी तरह की बिल्कुल एक टेबल मेरे बेडरूम में भी है। तो आइकिया का फर्नीचर एक ये है कि बहुत ही स्ट्रांग होता है और लॉन्ग टर्म चलने वाली होती हैं चीज़ें। लाइक आइकिया इज़ लाइक अ ब्रांड, और इनके अपने वेयर हाउस और अपने प्रोडक्ट्स वैसे ही बहुत लाइक बहुत ज़्यादा इनकी वर्थ है। सो ये देखें अब डिफरेंट, जैसे जैसे हम एक एरिया से दूसरे एरिया में एंटर हो रहे हैं, चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये लिविंग रूम की सारी चीज़ें हैं, टीवी ट्रॉलीज हैं। यहाँ पे एंटर होने का मतलब एंटर और एग्ज़िट का एक ही रास्ता है, आपने उसी से एक जगह से एंटर होना है और वही एक ही रास्ते पर चलते चलते आपने एग्ज़िट कर जाना है। सो ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ साथ साथ हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। डेकोर के लिए आपको अपने लाउंज के अंदर शोकेस रखने हैं, रैक्स रखने हैं, जो भी चीज़ें आपको फर्नीचर से रिलेटेड जो आपको घर से जाने के लिए चाहिए ना, कस्टमाइज चीज़ें भी हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कम जगह लेती हैं और उसके अंदर स्टोरिंग ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपको रैक्स नज़र आ रहे हैं, शू रैक तक नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे वॉल हैंगिंग्स हैं, फ्रेम्स लगे हुए हैं, और इन लोगों ने देखे मॉडल्स वगैरह बना के रखे हुए हैं साथ साथ, कि आपने सिर्फ यहाँ से पसंद करना है। ये देखिए, लुक एट हेयर,
पिकाबू। ये देखिए पूरा इन्होंने एक लिविंग एरिया बना के बिल्कुल रखा हुआ है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे आइडियाज़ अपने हर अपार्टमेंट के साइज़ के हिसाब से मिल जाएंगे कि आपका अपार्टमेंट कितना बड़ा है और आपके कितनी ज़्यादा चीज़ें उस कम जगह के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं। तो मोस्टली जो लोग नए अपार्टमेंट्स या नए घर बाय करते हैं तो वो आके इसी चीज़ का आइडियाज़ यहाँ पे लेते हैं। इन लोगों ने जो यहाँ पे मॉडल्स बना के रखे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के, बेडरूम्स के, लिविंग रूम्स के, वॉशरूम्स के, तो वो अपने एरिया के हिसाब से आके यहाँ पे मेजरमेंट लेके देख सकते हैं कि हमारे इस एरिया में क्या होगा। ये देखिए अब कितना ओपन इटालियन किचन के बनाया हुआ है, बिल्कुल ओपन किचन है, और यहाँ पर ये टू डोर रेफ्रिजरेटर मुझे बिल्कुल नज़र आ रही है। और ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, ये 10,000 टर्किश लिरा की ऑलमोस्ट ये फ्रिज है, पाकिस्तानी अच्छी खासी महंगी है ये, 2.5-3 लाख की। ये देखिए किचन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, लिविंग रूम है, और आजकल आप देखें जिस तरह मेरे घर पे भी ये डिफरेंट अमेरिकन, इटालियन, फ्रांस या जितने बाहर कंट्रीज हैं सब में ओपन किचन्स का ट्रेंड चल रहा है। और ये जो आपको किचन का एक एक डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये टर्किश किचन किचन का डिज़ाइन है। टर्किश किचन ऐसे ही होते हैं कि एक साइड पे शोल्स वगैरह और आपको साथ में डाइनिंग का एरिया भी दे देते हैं। ये देखें यहाँ पर, वाओ ये एक पॉर्सलिन का पॉट पड़ा हुआ है, उप्स ये बहुत हैवी है इसका जो कवर है, और ये देखें 350 टर्किश लिरा का ये सिर्फ पॉर्सलिन का पॉट है, लाइक 10,000 की सिर्फ आपने खाना पकाने की एक एक पॉट लेना है। अब आप ये देखें इन्होंने बड़े अच्छे से हर चीज़ इस तरह से लगाई हुई है कि आप लाइक फील लाइक होम, के आपको आइडिया हो कि आपके घर में लग के चीज़ें कैसी लगेंगी। आगे चलते हैं, जस्ट आप स्टोर में एंटर हो जाएं, सिर्फ आपने फॉलो करना है इन एरोस को। आइकिया के जितने भी स्टोर्स हैं वर्ल्ड वाइड, जितने भी स्टोर्स हैं, इनके हर स्टोर का जो जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, जो इनका इंटीरियर है, सब सेम है। इसी तरह से ही आपको बाकी डिफरेंट स्टोर्स में, बस वैरायटी डिफरेंट होगी, बट इनकी इनका इंटीरियर, इनकी डिज़ाइनिंग, आपको सब कुछ सेम मिलेगी। सो आगे चलते हैं, हमें और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर अब आपको कुछ कुकवेयर्स नज़र आ रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, हर एक एरिया है और उस एरिया में वही चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर किचन की चीज़ें हैं तो वो किचन की ही मिलेंगी, ये देखें। और यहाँ पे आपको बड़े अच्छे किचन के कुछ इस तरह के गैजेट्स और इस तरह के डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी जो आप अपने नॉर्मल रेगुलर किचन के डेली रूटीन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखें, यहाँ पर देखें बेड्स हैं। अच्छा यहाँ पर एक फ़ायदा आपको ये है कि आप अपने हिसाब से, कंफर्ट जोन के हिसाब से आप चीज़ ले सकते हैं। अभी देखें बिल्कुल 5-स्टार होटल्स की तरह का ये रूम डिज़ाइन हुआ है, ये वॉशरूम का स्ट्रक्चर है। इसके बाद यहाँ पर देखें ये कैबिनेट्स लगी हुई हैं, मिरर्स हैं, वॉल मिरर्स हैं, और फिर ये कितने कोजी बेड्स लगे हुए हैं, कर्टन, इन्होंने पूरी तरह से आपको एक बेडरूम का व्यू दिखा दिया। और यहाँ पर देखें ये आप टेरेस के ऊपर रख सकते हैं, ये बेडरूम के साथ जो टेरेस होगा वो उसके ऊपर, उसके साथ आप ये चेयर रख सकते हैं। ये इन्होंने एरिया बंद किया हुआ है एंड लिखा हुआ है कि अंदर जाना मना है आपको, लेकिन नज़र आ रहे हैं साथ साथ कितने ज़बरदस्त इनके कोजी बेड्स हैं, सिंगल बेड, डबल बेड, बच्चों के लिए जो आपको फर्नीचर चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको लाइक डिफरेंट वैराइटीज़ मिलेंगी सिर्फ बेड्स की। अब ये कोरोना की वजह से इन लोगों ने देखें ज़रा 10 मीटर्स अवे का लगाया हुआ है। ये अब देखें कैबिनेट्स हैं, और आपको यहाँ पर 5 डोर, 2 डोर, 4 डोर, अपने बजट के हिसाब से, अपने स्पेस के हिसाब से आपको ये कैबिनेट्स यहाँ पे हर कैबिनेट मिल जाएगी। लॉन्ड्री के लिए आपको चीज़ें चाहिए, या फिर आपको ये हैंगिंग के लिए जो जो भी आपको वार्डरोब के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए वो सारी इस वार्डरोब इस एरिया के अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। सो अब देख रहे हैं मैं सिर्फ इसी एरो को फॉलो करते 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 सिर्फ डिफरेंट जगहों पर जाती जा रही हूँ। अब आगे क्या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा मोस्टली मैं आइकिया से ख़ुद शॉप करती हूँ, एक तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक ब्रांड है और यहाँ की चीज़ें नॉर्मल भी सस्ती होती हैं। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, फ्रेंड्स वगैरह हैं, कि आप को क्या डिफरेंस लगता है कि आइकिया के अंदर चीज़ें मतलब लेना कुछ महंगा है या वैसा ही है। सो आइकिया के अंदर जब आप शॉपिंग करते हैं तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ब्रांड है तो वो क्वालिटी के लिहाज से प्राइसेस हाई होंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं छोटी मोटी जो डेली आपके हाउस होल्ड की चीज़ें वो बहुत सस्ती भी हैं। जैसे आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए अब मैंने स्टार्ट किया था, मैं एंटर हुई थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर से, अब उसी तरह से मैं चलते चलते ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ गई हूँ ये, और मैं
खुद भी आई हूँ, ये रास्ता ही मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है। ये देखें, अब यहाँ पे आपको बैम्बू बाउल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको ये मिक्सिंग बाउल्स और ये वुड के बाउल्स नज़र आ रहे हैं, कॉफ़ी सेक्शन है पूरा, प्लेट्स लगी हुई हैं, डिनर सेट हैं, कितने कलरफुल सी आपको ये पिंक पीच ग्रीन ब्लैक वाइट डिफरेंट तरह के क्रॉकरी के कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको, हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ से, किचन की और ये सब ऊपर डिस्प्ले के अंदर सब लगाया हुआ है। अच्छा, आइकिया के अंदर शॉपिंग करने में ये है कि आप जितनी चीज़ें खुद से जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो तो आप अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं कैश काउंटर तक या बिलिंग काउंटर तक, जो बास्केट में आ सकते हैं, लेकिन जिससे आपने फर्नीचर वगैरह बाय करना है या कुछ बहुत बड़ा बाय करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप देखें हर प्रोडक्ट के ऊपर ना एक कोड दिया हुआ है और उस कोड पर लिखा हुआ है, उस बार कोड के साथ उस पर मेंशन है कि ये किस रैक में कहाँ पर इससे ये चीज़ आपने उठानी है। तो वो मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ कि आपने इसको किस तरह से शॉप करना है आइकिया के अंदर। यहाँ पे अभी सब ये चल रहा है क्रॉकरी का, एक्चुअली मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूँ कि मोस्टली यहाँ से क्रॉकरी मैंने बहुत ली हुई और मेरे पास है भी, मैं यहाँ से ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ एक अच्छी थोड़ी हट के कुछ चीज़ मिल जाए। देखें, कप्स हैं पॉर्सलिन के पीच कलर के, और मुझे कुछ हट के आजकल क्योंकि मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ तो कोई चीज़ ऐसी मिल जाए जो यू नो मतलब मेरी कुकिंग के या वीडियोज़ के अंदर अच्छी यूज़ हो सके, कोई छोटी क्रॉकरी की कोई इस तरह से कोई फैंसी देखने वाली चीज़। अच्छा, मैं आपको बताऊँ एक चीज़, तो हर औरत को अपने किचन से बहुत प्यार होता है, बहुत ज़्यादा अपने बर्तनों से अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा, हमारे तो भाई डब्बे डब्बे पे लड़ पड़ती हैं। मुझे याद है बचपन में मैं स्कूल जाया करती थी तो अक्सर मामा मुझे देती थी कोई बना के कोई बॉक्स, अगर वो किसी फ्रेंड की तरफ रह जाना तो मामा ने फिर अक्सर यही कहना कि भाई मेरा डब्बा लेकर आना है तुम्हें। तो हर एक को किचन से अपने और अपनी चीज़ों से हर औरत को होता है, चाहे वो औरत वर्किंग लेडी हो या हाउसवाइफ हो, हर औरत को अपने किचन से अपने बर्तनों से बहुत प्यार होता है। और ये चीज़ें पहले मुझे समझ नहीं आती थी, देन आई सडनली रियलाइज़ कि हाँ भाई ऐसा है, क्योंकि अब ये जाके चीज़ मेरे पे भी आ गई है कि आपने जो जिसमें कोई चीज़ भेजी है वो आपको उस तरह से वापस मिल जाए। तो आई थिंक ये औरतों की साइकी है कि उनको अपने घर के बर्तनों से बहुत प्यार है। सो अभी आपको मैंने थोड़ा सा दिखाया था कि मैंने कुछ ग्लास लिए हैं, कुछ और यहाँ से चीज़ें डिप्स के लिए मैंने ली हैं, सॉसेस, और ये देखिए अब हम आगे आते जा रहे हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। ये रैक्स, ये मेरे पास एक है, ये तीन फ्लोर्स का एक रैक बन जाता है, इसके ऊपर मैंने मेकअप रखा हुआ है घर में, या वॉशरूम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, टॉयलेटरी रखने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब अगले सेगमेंट में हम एंटर हो गए, यहाँ पे आपको ये जो अगला सेगमेंट है यहाँ पे आपको मोस्टली मिलेंगी इलेक्ट्रिकल चीज़ें मिलेंगी आपको जो, और यहाँ पे आपको रग्स नज़र आएंगे, डोर मैट्स मिलेंगे, और ये हैंगिंग के लिए चीज़ें हैं, और ये पॉट्स रखे हुए हैं डिफरेंट, ये फूड कैट और डॉग के फूड के लिए पॉट्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन हर चीज़ ही आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये वॉल हैंगर्स नज़र आ रही हैं कि ये जो आपके ओवर कोट्स या डिफरेंट चीज़ें हैंग करने के लिए आप ये हैंगिंग्स लगा सकते हैं, डिफरेंट शेप्स की हैंगिंग बनी हुई है, और यहाँ पे कुछ बास्केट्स हैं, नॉर्मल डस्टबिन्स भी आपको मिलेंगी यहाँ पर, और ऑफिस की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, फर्नीचर से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ चाहिए आपको आइकिया में लास्ट में मिलेगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को आइकिया का मतलब ही नहीं पता कि आइकिया इज़ लाइक व्हाट। आइकिया बेसिकली जो नाम जिससे ये फेमस हो गया है आइकिया, वो मैं आपको बताऊं। देखिए पहले ये लाइटनिंग वाले सेगमेंट में मैं आपको लेकर आ गई हूँ, यहाँ पे कितनी लाइट्स हैं और डिफरेंट लैम्प्स आपके टीवी लाउंज के लिए, बेडरूम्स के लिए, हर जगह के लिए डिफरेंट आपकी लाइटनिंग्स और हैंगिंग, वॉल हैंगिंग्स, लाइट हैंगिंग, डोर हैंगिंग्स, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। सो आइकिया से पहले जो आइकिया के आई और के का जो वर्ड है उससे स्टार्ट होता है जी आइकिया के फाउंडर का नाम, आइकिया के फाउंडर का नाम स्टार्ट होता है आई और के से, कि उसका नाम है जी आई फॉर इंग्वर और के एंड के फॉर कंपार्ट। सो इंग्वर कंपार्ट आइकिया के ए के से स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है उस विलेज का नाम जहाँ पर वो पैदा हुआ था, और आई से ए से स्टार्ट होता है उसके होम टाउन का नाम। सो इसलिए ये तीन चीज़ों को मिला के उसने नाम रखा है इसका आइकिया, जो आजकल हर
जगह पे हर कंट्री के अंदर फेमस हो चुका है। हालांकि जितनी फॉरनर लड़कियां जो औरतें बाहर रहती हैं सबको पता है आइकिया क्या है। और बेसिकली ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ ही फर्नीचर के थ्रू था, जो हाउस होल्ड चीज़ें फर्नीचर आप इन्होंने स्टार्ट ही फर्नीचर स्टोर से किया था, देन लेटर ऑन दे एक्सपेंडेड। और यहाँ पे आपको अब हर चीज़ मिरर्स क्लॉक घर की ज़रूरत है, घर की हर चीज़ आपको यहाँ पे इजीली अवेल हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं डिफरेंट, ये कुछ क्रॉकरी की चीज़ें भी साथ साथ नज़र आ रही हैं आप, और मुझे जो समझ आ रहा है मैं बस उठाती जा रही हूँ। ये देखें डिफरेंट ग्लासेस रखे हुए हैं यहाँ पर, डिफरेंट स्टाइल्स मैंने ऑलरेडी ले ली हैं। तो आगे चलते हैं जी, लेकिन लोग अपने हाउस होल्ड की चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने यूज़ में लेके जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये समझाता हूँ, देखिए मैंने शॉपिंग वाला एरिया ख़त्म हो गया जो ऊपर से मैं एंटर हुई थी और ये एग्जिट वाला। अब देखें कैश काउंटर स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे ये एक स्टोरिंग एरिया है, पूरा स्टोरेज एरिया जो है, ठीक है। अब आप यहाँ की शॉपिंग करने का जो मैं आपको स्टार्ट में बताई थी कि तरीका ये है कि जब आपने छोटी चीज़ें तो उठा के अपने ट्रॉलीज में डाल ली, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं जैसे टेबल्स चेयर जो आपको पसंद आ जाती है वो आप वहाँ से उठा के अपनी ट्रॉली में नहीं डालेंगे। हर प्रोडक्ट के ऊपर उसका एक बार कोड दिया होगा, आपने वो बार कोड या तो उसकी पिक्चर लेनी है या तो फिर उसकी उसको पेपर पेन के ऊपर नोट कर लेना, जो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग हॉल में ही नज़र आ जाएंगे। वो नोट करके आपको उसके ऊपर लिखा होगा कि इसका बारकोड नंबर क्या है और वो किस शेल्फ में किस रैक में क्या नंबर के अंदर पड़ा हुआ है। और ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर ये जो आपको जो स्टोरिंग एरिया नज़र आ रहा है इसके ऊपर ये देखें बारकोड नंबर दिया हुआ है और प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखी हुई है और ये लिखा हुआ है कि ये इस शेल्फ के अंदर पड़ा हुआ है। तो आपने कैश काउंटर पर जाने से पहले यहाँ से अपना वो जो आपने चीज़ पसंद की होगी उसके ऊपर से इस तरह से आपने टैग के ऊपर से उसका पढ़ लेना है बारकोड वगैरह क्या है जो आपने वहाँ से पसंद की होगी, और यहाँ से आके वो चीज़ आपने खुद निकाल लेनी है या किसी हेल्पर की हेल्प के थ्रू आप वो चीज़ निकाल के आगे कैश काउंटर की तरफ चले जाएंगे। तो बहुत इजी और बहुत मैनेजेबल इनकी जो है, इन्होंने हर तरह से चीज़ मैनेज की हुई है। ये लैम्प्स देखें, ये मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन मैं ये पाकिस्तान ले गई थी और ये मेरे पास पाकिस्तान में पड़े हुए हैं हैंगिंग लैम्प। इन्होंने हर चीज़ बहुत अच्छे से ऊपर देख रहे हैं, आप नंबरिंग लगी हुई है कि आपने उस ऊपर फॉलो करना है कि 19 नंबर या 20 नंबर का आपका सेक्शन है, उसके ऊपर रैक कौन सा है और कौन से ब्लॉक के अंदर आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो बहुत इजी है यहाँ से शॉपिंग करना और मैं तो थकती भी नहीं हूँ आइकिया के अंदर आके कभी भी। जैसे मैं आपको बता रही थी कि मुझे आप सारा दिन भी आइकिया में छोड़ देंगे, मैं खुशी खुशी आइकिया में गुजार लूँगी। तो ये देखें ये चीज़ ख़त्म हो गई है यहाँ से। अब पहले हमने पूरा वो हॉल देखा, उसके बाद ये स्टोरेज एरिया था, अब सामने हैं जी कैश काउंटर। ये जो आपको येलो स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये कोरोना की वजह से एक एक मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इन लोगों ने स्पॉट लगा दिए कि आपने स्पॉट के ऊपर खड़े होना है। अब एक चीज़ जो मुझे एकदम से सडनली याद आई है, रिकॉल हुई है कि यहाँ पर इनका कैश काउंटर से पहले एक छोटा सा एक एरिया बना होता है, वो एरिया हर डिफरेंट मैंने देखा है हर जगह पे बना होता है। वो होता है जी कि ये जो आपका जो चीज़ें लेफ्ट ओवर रह जाता है या जो एक चीज़ एक दो चीज़ें रह जाती हैं पीछे, ये लोग वो हाफ़ प्राइजेस के ऊपर लगा देते हैं। क्योंकि जैसे आपको पता है फैक्ट्री के अंदर जो स्टॉक बनता है जब स्टार्ट होती हैं चीज़ें प्रोडक्शन होती है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें थोड़ी सी चीज़ें मतलब ख़राब नहीं होती बट उसमें थोड़ा सा कुछ डैमेज हो जाती हैं, तो वो इनको हाफ़ प्राइजेस के ऊपर लगा देते हैं। तो ये देखें मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये देखिए मुझे यहाँ पर कुछ बाउल्स नज़र आ रहे हैं। वाओ, ये मिनी किचन का सामान है। आपको पता है आजकल मिनी कुकिंग की काफ़ी वीडियोस चल रही हैं। ये वैसे 100 लीरा का है लेकिन ये डिस्काउंट में 50% ऑफ पे 50 लीरा का लगा हुआ है। इसके अंदर टू ग्लासेस हैं, एक ये टी सेट लग रहा है मुझे, टू ग्लासेस हैं, मिल्क पॉट है, शुगर पॉट है और साथ में ये दिए हुए हैं जी कुछ प्लेट्स हैं इसकी। तो ये और मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ कम है लेकिन एक अच्छा इसमें मुझे लाइक ग्लासेस कम लग रहे हैं लेकिन एक अच्छा है मिनी किचन के लिए, मैं इसको डेफिनेटली ले रही हूँ। सो ऑल डन, अब बस मैं निकल रही हूँ कैश काउंटर की तरफ जाऊँगी बिलिंग करवाने के लिए। तो ये भी अगर आप आइकिया जाएँ तो कैश काउंटर से पहले आप ये एरिया लास्ट में विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर भी समटाइम्स कोई बहुत अच्छी चीज़ मिल जाती है जो कि सिर्फ डैमेज नहीं होती है, जो किसी सेट का कोई एक पीस रह गया या कुछ इस तरह से आप कह लें कि कुछ
होते हैं अक्सर ग्लासेस में से अगर चार टूट के, दो बच के या कुछ भी इस तरह की चीज़ों में से लेफ्ट ओवर निकलता रहता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करें, आपको समटाइम्स कोई चीज़ अच्छी भी मिल जाती है। सो हियर वी गो, अब मैं बिलिंग काउंटर के ऊपर वेट करने वाली हूँ अपना बिल करवाने के लिए, और मैं अपने स्पॉट पर जाके बिल्कुल खड़ी हो जाती हूँ। सो ये आइकिया के पेपर बैग्स हैं जो आप यहाँ से ले सकते हैं, कॉस्ट यू लाइक 50 क्रश जो हैं इनकी करेंसी में आपको पड़ेंगे। ये है कि अगर आप अपने बैग्स लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह के ले सकते हैं। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टर्न, और जैसे ही ये काउंटर पर मेरी बारी आ चुकी है तो मैं यहाँ से बिल करवा के सिर्फ अपनी जो मैंने छोटी बहुत चीज़ें ली हैं उनका बस बिल करवा के सो मैं निकलती हूँ। जैसे मैंने आपको दिखाया कि आइकिया में शॉपिंग करना इज़ लाइक वेरी इजी और बिल्कुल भी महंगा नहीं है आइकिया। जैसे आपको अब 19-20 का फ़र्क आने वाला है, ये देखिए मैंने इसमें अपनी चीज़ें ले ली हैं, आप चाहें तो आइकिया से अच्छे से शॉप कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी आज की आइकिया का टूर आफ्टर लॉकडाउन, और वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मैं उसकी भी वीडियोस बनाऊंगी। थैंक यू।